सकता है। तो 460 का स्टॉप लॉस लेके हम 490 के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। RSI बियॉन्ड 70 वॉल्यूम इज डेफिनेटली गिवन ए ब्रेकआउट। ओपन इंटरेस्ट इज ऑफ अराउंड 20%। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस इज ए बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 460 फॉर ए टारगेट ऑफ 490। एंड आई हैव जस्ट सेंट वन मोर कॉल, दैट इज 35700 का कॉल जो कि 250 में चल रहा था विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 200 फॉर ए टारगेट ऑफ 350। मुझे लगता है कि द वे HDFC बैंक एंड रेस्ट ऑफ द बैंक्स आर शोइंग द ओपन इंटरेस्ट फिगर, आई थिंक बैंक निफ्टी में थोड़ा रैली रहेगा डेफिनेटली। इज ए प्रीएम्प्टिव मूव, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कल के टाइम तक ये हमें कॉल 350 दिखाएगा डेफिनेटली। तो दो तीन ट्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर आए हैं, उनके ग्राफिक्स थोड़ी देर में बनेंगे। बैंक निफ्टी पर एक कॉल आपको लॉन्ग साइड पर दे रहे हैं, दिन के उच्चतम लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। असित जी यहाँ पर बुलिश हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी आपने शानदार कॉल ली और दोबारा रिट्यूरेट करा है लॉन्ग ट्रेड माइंड ट्री पर। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई के अड्डे में। बताइए कहाँ ध्यान कहाँ रुझान। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए शैल जी, बैंकिंग में बहुत ही अच्छी गुड आफ्टरनून। स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है, और जैसे अभी असित ने कहा बैंक निफ्टी पे बिल्कुल बहुत ही अच्छा मजबूत ट्रेंड पूरा बैंकिंग बास्केट में बन रहा है। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कि ABB सीमेंस, ये हमें काफी पसंद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी टॉपिक है वो बैंकिंग बास्केट से ICICI बैंक रहेगी। इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा वीकली ब्रेकआउट आपको देखने को नजर आ रहा है, और स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 20-25 रुपए दूर रह चुका है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 647 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे एक लॉन्ग ट्रेड ICICI बैंक में लिया जा सकता है। 685 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म लक्ष्य मैं समझता हूँ ICICI बैंक में देखने को नजर आएंगे। शैल जी, मुझे जैसे मैंने कहा कैपिटल गुड्स अच्छा लग रहा है, तो वहां पे सीमेंट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है एक मजबूत तेजी यहां से दिखा सकता है। 2040 के स्टॉप लॉस के साथ मैं सीमेंट्स पर भी ध्यान रखूंगा, जो मुझे लगता है 2130-2140 के लक्ष्य दिखा सकता है। ICICI बैंक 658 डे हाई की ट्रेजरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। सिमंस अगर आप देखें 2070 पे, आशीष को यहाँ पे भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का अवसर से बात करते हैं। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका टॉप कन्वेक्शन ट्रेड इस वक्त का बैंक निफ्टी डे हाई पर। मीन वाइल गुड आफ्टरनून वीरेन, मेरा स्टॉक कन्विक्शन कॉल इस वक्त है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक तेजी है, बहुत बढ़िया आपको मिला था और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 156 के आसपास, और उसके बाद आपको मिला है। इसका जो मेरा टारगेट है वो है 165-166, स्टॉप होगा 157। गेल बाय। आपके सामने पकड़ा है वीरेन जी, आप देखिए वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है इधर, और हाईएस्ट लेवल आप वॉल्यूम पे देख रहे हैं कम से कम पिछले 3 हफ्ते का, और समझिए कि अभी 90 मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने में। तो आपके सामने 3,45,00,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं गेल के, और पूरी चेष्टा है इस काउंटर की, जो आपने मई 12 का जो हाईएस्ट लेवल देखा था लगभग 165-175 का, वो ध्वस्त होता हुआ आपको दिखे। वीरेन जी बाजार में तेजी बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है, अल्ट्राटेक दिन का उच्चतम लेवल।